हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दियों के मौसम में सिर दर्द की समस्या को कैसे ठीक करें, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आई हूं। यदि आप इस नुस्खे को ट्राई करते हो तो यकीन माने आप सर्दी के मौसम में जो ठंड के कारण आपका सिर में दर्द हो जाता है उसे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव और असरदार नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आपको बनाना बिल्कुल आसान होगा, आप आसानी से बना पाएंगे और इसे आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। सिर दर्द की समस्या को जड़ से ख़त्म करेगा। सर्दियों के मौसम में अक्सर हमें सिर में दर्द हो जाता है। सिर में दर्द होने के कारण हो सकता है सर्दियों में ठंड लगने की वजह। यदि हमारा सिर में ठंड लग जाता है तो इसके कारण सिर में दर्द होने लगता है और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ सिर दर्द होने के साथ ही साथ गले में खराश होने लगती है, कफ हो जाती है, सर्दी खांसी जुकाम भी होने की संभावना हो जाती है। सर्दियों में अक्सर ये सब समस्या होती रहती है। तो आज मैं जो आपके साथ नुस्खा शेयर कर रही हूँ, यदि आप उसे ट्राई करते हो तो यकीन मानिए सर्दी खांसी जुकाम और सिर दर्द की जो समस्या है उसे आप बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को भी मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक गिलास के बराबर में पानी। गर्म करने के लिए जैसे ही हल्का गुनगुना हुआ है पानी तो हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता आप जब भी रखें, कोई सामग्री आप बना रहे हैं तो उस समय याद रखें कि तेज़पत्ता को आपको धोकर ही रखना है। इसमें बहुत सारे डस्ट रहते हैं जो हमें नुकसान करेगा, इसलिए धोकर रखें। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है हाफ चम्मच के बराबर में अजवाइन लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे काला नमक। काला नमक आसानी से किचन में उपलब्ध होता है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना है। काला नमक मात्र चुटकी भर के बराबर में लेना है। और आप अदरक ज़रूर डालें क्योंकि अदरक सिर दर्द में बहुत ही अच्छा होता है। मैं यहाँ पे अदरक नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं अदरक नहीं लेती हूँ, मैं अदरक नहीं खाती हूँ, इसलिए हमने अदरक को स्किप कर दिया है। लेकिन आप जब भी बनाएं तो यदि आप अदरक खाते हैं तो अदरक ज़रूर ऐड करें क्योंकि अदरक काफ़ी अच्छा होता है सिर दर्द के लिए। इसको तब तक पकाना है जब तक यह पानी हमने एक गिलास जो डाला था वह आधा गिलास के बराबर में ना हो जाए। इसे हमें अच्छी तरीके से ढककर पकाना है। जब आप पकाओगे तो कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा और देखने में और पीने में भी काफ़ी अच्छा रहता है। चाहे यदि आप मीठा पीना पसंद करते हो तो इसमें आप गुड़ ऐड कर सकते हैं। चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें मीठा करने के लिए। और इस तरीके से आप दिन में 2 से 3 बार ज़रूर इस तरीके से चाय बनाकर पिए। आपको यकीन मानिए सिर दर्द बहुत जल्दी ठीक होगी, सर्दी खांसी जुकाम ठीक होगी, गले में जो खराश हो गई है वो बहुत जल्दी ठीक होती है। बच्चे बड़े सभी इस चाय का सेवन कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें चाय पत्ती बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। सर्दियों में सिर दर्द की समस्या को जड़ से ख़त्म करता ही है, साथ ही साथ आपको सर्दी खांसी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होने देगा, कफ बलगम बिल्कुल भी नहीं होने देगा। बच्चे बड़े सभी इस चाय का सेवन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अभी सर्दियों के मौसम में कई लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, कई लोगों को इससे आसानी से फ़ायदा पहुँच सकता है। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।